अब गेम खेलेंगे, ठीक? गेम में नाप, ये गेम नापने का है, ठीक है? कोई भी चीज कितनी लंबी है, चौड़ी है, ये नापना होता है, ठीक? अच्छा, किसी के घर में, अच्छा तुमको कोई चीज मेरी मान लो बोतल की लंबाई नापनी हो आदित्य, तो कैसे नापोगे? बितस नाप के दिखा दोगे? अच्छा, किसी के घर में कोई ऐसा काम होता है जो बित्ता से नाप के होता हो? मेरे, तुम्हारे घर में होता है क्या? मैं, मेरी मम्मी ना बित्ता से नाप के कपड़ा काटती है और डंडा भी काटता है, मेरा भैया काटता है। डंडा किस लिए? मच्छरदानी के लिए। अच्छा, मच्छरदानी के लिए सब बराबर डंडा काट। अच्छा, इस तरह से। तो आज तुम लोगों को बित्ते से नाप के यहाँ लिखना पड़ेगा। पेंसिल से बढ़ई का काम करते हैं क्या? अच्छा, तो तुमको जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, तुमको उनकी लंबाई अपने बित्ते से नाप के करनी है और देखते हैं कि दोनों टीमों की जो एक ही चीज़ की दोनों लोग लंबाई लेंगे, देखिए देखते हैं दोनों लोगों की लंबाई कितनी आती है, ठीक है? तो कमरे में क्या हुआ बेटा? कमरे में कुछ चीज़ें तुम लोग सेलेक्ट कर लो अपने में कि किस चीज़ की लंबाई नापोगे और उसको दोनों लोग, दोनों टीम नापेगी, ठीक है? चलो नापो, चलो पहले क्या नापोगी? तुम लोग भी चलो, हाँ नापो। क्या उतना ऊपर मत चढ़ बेटा, नीचे जो चीजें मिले उनको नाप लो। चार्ट नाप लो बेटा, चार्ट इधर नाप लो, कितना हुआ? फिर से नापो, चार्ट नापो, आदित्य चार्ट नापो। अब जो बच गया उसको किससे नापोगे? पांच अंगुल। कितना हुआ? चार बित्ता, पांच अंगुल। चलो लिखो यहाँ चार्ट की लंबाई, क्या चीज लिखो? हाँ, चार्ट की लंबाई लिखो। चार्ट नहीं बेटा, चार्ट होता है, इस पर उड़नतुआ र लगा दो, ऐसे चार्ट लिखा जाता है। हाँ, उड़नतुआ रट्टा पे लगा दो। हाँ, चार्ट की लंबाई। तुम क्या लिख रही हो? हाँ, फिर से लंबाई सही से लिखो, लंबाई सही से लिखो, देखो कैसे क्या क्या लिखा जाएगा। लंबाई कितना है? बोतल की लंबाई छः। क्या छः? क्या चीज, कौन सी बोतल नापी हो? दिखाओ क्या क्या बीता है। दो ही बीता, तो दो ही बीता हुआ ना, कैसे छः लिखी है? लिख दो बीता, लिखो दो बीता। नहीं, इसको दो इस तरह नहीं लिखना है, दो यहाँ बित्ता लिखना है। बित्ता लिख पाओगी? दो बित्ता। हाँ, हिंदी में दो उस तरह लिखना हो, हिंदी में लिख दो चाहे। बित्ता लिख पाओगी? नहीं लिख पाओगी। वो देखो जैसे लिख रहा आदित्य, बित्ता उस तरह लिखा जाता है। अंगुल लिख पाओगे? अंगुल चाक ले लो, देखो मेज पे होगा है।
है मेसी बाबू? रुक जाओ, हमें ऑफिस से ले आ रहे हैं। आओ नापो पहले बैग की लंबाई, चलो अपने बैग की लंबाई नापो सीधे। हाँ पूरा, हाँ नहीं नहीं पीछे सही करो, अब वो अंगुल से नापो, पूरा बित्ता पूरा नहीं हो रहा तो अंगुल से नापो। दो बित्ता पांच अंगुल लिखो। बैग है कि बैग लिखोगे बाबू? आय की मात्रा तुम भी बैग की लंबाई लिखो। बहुत टीम टीम करोगे ना तो सबको एक अलग कर देंगे, बस टीम टीम किए रहोगे। फिर से नापो बैग की लंबाई, फिर से नापो। आओ फिर से नापो। उसकी उंगली से नापने ना, तो जो बित्ता नाप रहा हो अंगुल नापे, दो बित्ता तीन अंगुल। हाँ चलो लिखो। बड़ी की भाई दो लिख रहा है। हाँ लिखो दो बित्ता लिखो, दो बित्ता तीन अंगुल है ना तुम्हारा। बैग आस्था आय की मात्रा होती है। अंगुल लिखे हो, अंगुल लिखो अंग। दो बित्ता पांच अंगुल। अच्छा ये बताओ एक चीज की लंबाई नाप रहे हो दोनों लोग, दोनों लोग एक चीज की लंबाई नाप रहे हो ना, तो उनका अलग आ रहा तुम्हारा अलग क्यों आ रहा है? उनका अलग आ रहा है बित्तवा और तुम्हारा अलग आ रहा है, क्यों ऐसा? उसका हाथ छोट है और उसका कहें और तुम्हारा हाथ इसका हाथ बड़ा है। तो अगर मान लो, चलो ठीक है पहले अब सब लोग दोनों लोग अपनी अपनी टीम में खड़ी हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये बताओ अगर मान लो को किसी का हाथ मेरे जितना बड़ा हो इतना बड़ा और किसी का हाथ इतना बड़ा हो, ठीक है, तो वो किसका फायदा होगा? अगर नपाया जाए कि हमको चार बित्ता कपड़ा दे दो तो किसका फायदा होगा? नाप के। हाँ तो किसका फायदा होगा, जिसका हाथ बड़ा है जिसका हाथ छोटा है? हाँ जिसका हाथ बड़ा रहेगा उसका फायदा होगा ना, क्यों फायदा होगा? बड़ा है तो नापेगा तो ज़्यादा ज़्यादा नपा जाएगा, तो इसीलिए इतनी आएगा। तो इसीलिए हम लोग देखो क्या बना, एक पटरी देखे हो नापने के लिए एक मानक इकाई मीटर सेंटीमीटर इस तरह से बन गया। तो चलो पहले किताब खोल के हम लोग देखते हैं, ठीक, तब इसके बाद फिर ये एक्टिविटी करेंगे।